अरे भाई ऐसा क्या गलती हो गया हमसे? अमर कांत के घर पुलिस भेज दिया आपने, क्रिमिनल समझ रखे हैं क्या करें? प्रदेश में अराजकता का स्थिति पैदा कर दिया है सर, आप तो देख रहे हैं ना, चारों तरफ लूटपाट, आगजनी, यहां तक कि थाना को भी लूट लिया है सर। अब ऐसे में सरकार चुप तो नहीं रह सकती। अरे तो इस तरह अमरकांत का लेना देना, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ना। राधे मोहन जी, आप तो जानते ही है ना कि जिस आदमी ने बब्बन पर गोली चलाया, पुलिस उसका बयान ले चुकी है। कोई भी ऐरा गैरा को गिरफ्तार करके पुलिस बयान ले लेगा और आप उसके बिना पर किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिएगा। ये बात किसी से छुपी है का? कि बब्बन पर गोली किसने चलवाया? शक के आधार पर सरकार नहीं चलती है, ठोस सबूत होना चाहिए एक्शन के लिए। हम भी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हमरा बात मानिए और पुलिस को वहां से तुरंत हटाइए। इसका बहुत खराब सिग्नल जाएगा पब्लिक में। सोच लीजिए, एक बार फिर से सोच लीजिए। 12 विधायक सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए तैयार बैठा है और शाम 5 बजे राज्यपाल महोदय से हमारा मीटिंग फिक्स है। अब या तो आप सरकार की छवि बचाइए या फिर अपनी सरकार बचाइए। जयराम जी की। डीआईजी साहब का फोन है। हाँ हाँ बोलिए सिन्हा साहब। सर एनफोर्समेंट लेकर हम अमरकांत के घर के पास पहुंच चुके हैं, अगर आपका आदेश हो तो अंदर घुसे। नहीं, आप घेरा डाले रखिए और अगला कार्यवाही के लिए अगले आदेश का इंतजार कीजिए। इनकी हालत तेजी से खराब होता जा रहा है, हमसे जो बन सकता था हमने किया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये सरकारी अस्पताल है, ज्यादा सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, फिर भी हमने बढ़िया से बढ़िया इलाज किया है। लेकिन अब डॉक्टर साहब देखिए ऐसे मत बोलिए, अगर जीजा जी को कुछ हो गया ना हम लोग अनाथ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आप हिम्मत बता दीजिए, कुछ कीजिए। अरे जितना पैसा लगेगा उतना देंगे। मैं डॉक्टर हूँ और कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को मरता हुआ नहीं देख सकता। देखिए इनकी एक लंग में गोली लगी और दूसरे लंग में पानी भर रहा है, इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। आप मेरी राय मानिए, जितना जल्दी हो सके इनको इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्रबंध कीजिए प्लीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुख सागर में डुबकी लेते हुए सब स्त्री पुरुष बड़े व्याकुल होकर सोचने लगे और विधाता को दोष देकर क्रोध करने लगे कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया। देवता दीदी जी, कब तक कैसन भूखल प्यासल पूजा पाठ में लागल रहो, चली हाथ मुंह धोके कुछ खा ली। अरे तू हमार चिंता मत करा दुल्हन, खाए पिए बिना हम ना मरब, काहे कि मार तो हम वह दिन गइल रही जौन दिन रितेश के बाबूजी के मार दिलस। अब तो बस एक गुआस लेके जियत है कि कौन दिन उनकर खून के बदला पूरा हुई। जी जैसन कर्म करी उकरा वैसन फल मिलवे करी। हम कौन कर्म कैले रही, जवानी में हमार मांग उजल गई, हाँ? बेटा अनाथ हो गए। ए दुल्हन, पिछला जन्म में का भइल आ अगला जन्म में का हुई इके जनता। हमार मरद के धोखा से मार देला सूबा बनवा। धोखा ही जन्म में जिए का कोई हक नहीं, हर हाल में मरता होई। हाँ। पर वाला सब देखत बारन, वो रुवा संगे न्याय जरूर करिए दीदी। हाँ। न्याय तो उनका करे का होई, चाहे आज करस चाहे काल करस। जा तू लोग खा पिया, हमार चिंता मत करा, हम तो अब वह दिन अन्न जल ग्रहण करब जौन दिन बबनवा के मरल मुंह देख ले। हाँ जा तू लोग जा। खीर में धूप देश
बहुत मुश्किल है यहाँ। अरे आप बात भी समझ रहे डॉक्टर साहब, बाहर बहुत खतरा है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 18 किलोमीटर दूर है, रास्ते में अमर कदवा खट लगाए बैठा हुआ होगा। नहीं नहीं बाबूजी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर। देखिए देखिए अगर उनका जान बचाना है ना तो लेकर जाना ही होगा। अमर खान से तो आप एक बार फिर भी उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर वो यहाँ रहे तो भगवान ही उन्हें बचा सकता है। आप समझिए हमारी बात को। पक्का खबर है? तुम लोग नजर रखना। एसपी, बाबा को बाहर जाना है, इंतजाम करो, जो कहा वो करो। सदर हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर चौधरी का फोन है। हाँ बोलो चौधरी, क्या खबर है? प्रणाम सर, सर बबनलाल को इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है सर। सुनो चौधरी, तुम खुद अपना निगरानी में उसको लेके जाओ। यस सर। किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं होना चाहिए। हर हाल में बब्बन को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर। ठीक है। जय सर। एम्बुलेंस गेट पर स्टार्ट रखिए। जल्दी आराम से। आराम से आओ। क्या बात है सर?
गया साला? ये में तो क्यों निके? सर हालत बहुत सीरियस है। आप केस के पेपर्स तो मिले होंगे ना? हाँ वो तो मिले थे। कौन से? सर बेसिक प्रॉब्लम इज ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उनकी इनर ब्लीडिंग रुकी नहीं रही है तो साथ में पस का फॉर्मेशन हो गया है। आई थिंक वी हैव टू ओपन द चेस्ट अगेन। ऑपरेट करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यस सर और कोई रास्ता नहीं है। आओ लखा, निशाना ठीक लग रहा है ना? बहुत बढ़िया भैया जी। आइए। अरे इनका गला नहीं मिलेंगे का? गला दबाने का इरादा तो नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? आप हमारे गुरु भाई हैं। मजाक कर रहे थे। मजाक में भी ऐसा मत सोचिएगा। नमक खाए इस दरबार का, गद्दारी नहीं करेंगे। और आप भी उसी नमक का हक अदा करने आए इस दरबार में। बाबू साहब का दर्शन होगा कि नहीं? आइए। देख रहे हैं दिल्ली का हवा लग गया है तुमको। ऐसा नहीं है भाई जी, हमको जैसे ही पता चला सरकार आपके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की तैयारी कर रही, भागे भागे आए और सीधे मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगाए। हम बोले बहुत गलत हो रहा है, भाई जी के खिलाफ कुछ भी हुआ तो हम सरकार गिरा देंगे। बहुत हिल उज्जत के बाद पुलिस का घेरा हटाने को राजी हुआ है। बब्बन सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुंच गया, उसके लिए कितना जोर लगाया? आपको बचाना मुश्किल हो जाता भाई। हमरा छोड़ो, तुम अपना सोचो। हाथ उठा लेंगे तो महाराजगंज में तुमको अपना जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। रू सतीश कुमार, उसका सरकार तो गया समझो। मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार बैठा है साला। कहता है चुनाव फेस कर लेंगे लेकिन अमरकांत को छोड़ेंगे नहीं। धमकियों से डर जाते तो आज जमीन पर खड़े नहीं रहते हम। जी वो तो है, लेकिन साला एक स्ट्रांग पॉइंट पकड़ के बैठ गया है। का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाने जा रहा है। कहता है कि डायरेक्ट पॉइंट पर आओ, सीधे सीधे बताओ कहने का है। हम तो खाली संदेशा लेके आए हैं। कहता है एक ही रास्ता है, बबन से समझौता कर लेते तो। बच्चा है तू हमरा, इसीलिए छोड़ रहे हैं, नहीं तो तुमरा जवान काट कर पार्सल कर देता हूं साले मुख्यमंत्री को।
की वोट। बाबा बाबा इसको बाहर लेके जाओ। बस जाइए आप। बाप रे बाप, चारों तरफ खाली पुलिस ही पुलिस भरल बा। छावनी बना देले बाड़न सर। कोनो नया बात नहीं है हमरा खातिर। जब से आई नहीं घर में कोर्ट कचहरी पुलिस यह तो देखा तानी। अब तो आदत हो गई बा हमरा के ये सब देखे के। ए चाची, ये सब बड़का आदमी का निशानी है। मंत्री से लेके संतरी तक सब अमरकांत काका के सलामी ठोकेला। झूठा शान है। आज सलामी ठोकता वह काले दुश्मन हो जाए। हर घड़ी गरीजा धरकत रहेला, न जाने कब का हो जाए। ठीक है कहा ताड़ू दुलाइन, ये थाना पुलिस अपना बापू के ना होके। भगवान आदमी के केस मुकदमा से दूरे रखस। हम तब बड़का बड़का लोग के देखनी, थाना कचेरी के पीछे बिला गए लोग। केकरा से का कही ना? के हो हमर सुनता? यहाँ तो जकरा देखो ओहे मरे मारे ला तैयार बैठल बा। एको दिन घर में शांति नहीं की। खतरा का तो कोई बात नहीं है ना, सब ठीक तो है। He's fine. डिसीजन अच्छा था आपका, नहीं तो बचाना मुश्किल हो जाता। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक से हो गया है। अभी आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, 3-4 घंटा में होश आ जाना चाहिए। जस्ट प्रे टू गॉड, अब उन्हीं के हाथ में है सब। कानून अपना हाथ में है, साला मानेगा कैसे नहीं। अरे इसीलिए तो बब्बन को खड़ा किया है। शक्ति का संतुलन बड़ा जरूरी है। सर, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से फोन है। हाँ बोलो। प्रणाम सर, बब्बन को होश आ गया। गुड, उसकी सुरक्षा और बढ़ा दीजिए, जेड प्लस कर दीजिए। जी सर। बब्बन को होश आ गया। हाँ? तोहर हिम्मत कैसे हुई ले बोलेगी? ये बोले से पहले तोहर जीप कट के गिर काहे नहीं गई? दूर हो गए सामने से। रितेश, रितेश, ए रितेश, रितेश, काहे हल्ला कर रहा था? ये का सुना था ही हम? कैसन गोली मरला की अब तक जिंदा बा? हाँ, आज ये दिन आ गए तू लोग के कि एक आदमी के न मार सके तू लोग? माई हूँ। चुप करा, मर गई माई। अरे कैसन पुट बड़ा तू, 9 महीना कोख में रखनी, पाल पोस के बड़का करनी है इतना। ये दिन देख के खातिर कि माई के एगो कहना न कर सके तू? माई, ये बार वो बची हो जाए तो छोड़ अपना ओकरा के। चुप करा, बेसी बड़ बड़ बात बोले के जरूरत नहीं है। चल चल जा, चुल्लु भर पानी में जाके डूब मरा। और अगर तू लोग के घर जाने इतना दम नहीं खे तो बोल हमरा का, बोल बोल हमरा का, हम करब माई ससुर के बस। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। गोपाल जी हमार प्रार्थना सुन ले लन, रवा ठीक हो गई। अब एगो प्रार्थना और सुनी गोपाल जी, जी हमरा मांग के सिंदूर के मिटावे के कोशिश कैले बा, ओकरा पूरा खानदान के खत्म कर दी। अरे चुप कर दीदी, ओकरा खानदान के नाश तो हम करें।
खाली जीजा के हॉस्पिटल से घरे पहुंचे थे। कोई कुछ हो ना करी, श्रीकांत कहाँ हो तुम? यार मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ मैं बस आ रहा हूँ, पिक्चर भी शुरू हो गई। हाँ आई एम जस्ट कमिंग डार्लिंग। ओके बाय बाय। अरे यार निशा तब से मेरा इंतजार कर रही है वहाँ पर। तुम लोग ये फाइल पकड़ो ठीक है, और तुम लोग सारा इंतजाम कर देना। तू चिंता मत कर, तू जा, सब कुछ हो जाएगा। चलो। अरे यार चाबी तो देता जा। हाँ चाबी चाबी ये ले, और यहाँ से गिफ्ट भी ले जाना। गिफ्ट थैंक यू। चलो और तुम लोग घर सजा के रखना। ओके फाइन बाय बाय बाय। सॉरी आई एम लेट। ये पकड़ो। श्रीकांत तुम्हें याद था? अरे मुझे कहाँ याद था, आज मैं ऑफिस गया तो मुझे लोगों ने बताया कि आज मिसेस मालवानी का बर्थडे है, मेरी बॉस की बीवी का बर्थडे है आज, और इसलिए मैंने उनके लिए गिफ्ट खरीदा है। ये लेदर पर्स है, 2000 का है, महंगा है पर चलेगा। श्रीकांत हाँ, मिसेस मालवानी के बर्थडे के अलावा आज और क्या है? और क्या है आज? गांधी जयंती। वो 2 अक्टूबर को होती है। 2 अक्टूबर आज दिवाली है, मैं दिए भी लेना भूल गया। दिवाली को बहुत टाइम है श्रीकांत। अच्छा अरे तो जो भी दिवाली हो, पर सबसे बेस्ट बात ये है कि आज मेरी बॉस की बीवी का बर्थडे है, मिसेस मालवानी का बर्थडे है आज। चलो 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 श्रीकांत। हाँ। ये जो मैंने पिक्चर के टिकट्स लिए इसका क्या? इसको किसी को दे दो, बांट दो। अरे टिकट विकेट तो आते रहते हैं, पर मिसेस मालवानी का बर्थडे तो साल में एक बार आता है। एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस मैन। ओह तो तुम्हें ये पता चल गया था कि आज मिसेस मालवानी का बर्थडे है। स्मार्ट गर्ल हाँ, बिजनेस माइंडेड हाँ। तुम कब से खड़ी हो, तुम्हें भूख भी लगी होगी, इसलिए मैं पॉपकॉर्न लेके आता हूँ, तुम यहीं खड़ी होना ठीक है। एंड हैंडल विद केयर, ये मेरी बॉस की बीवी का गिफ्ट है। ओके यस। Everything is ready ना? तू चिंता क्यों कर रहा है यार, सब कुछ तैयार है। मैं निशा को लेके अभी आ रहा हूँ। अच्छा और ऐसी बर्थडे पार्टी होनी चाहिए कि वो अपनी ये बर्थडे पार्टी कभी ना भूल पाए। तो आके तो देख, जल्दी आना यार। 2 पॉपकॉर्न्स प्लीज। कितना हुआ? नाव का है? ए, नाव का है? निशा शर्मा। कौन लगती है तुम्हारी? She is my wife. वो मेरी पत्नी है। तुम्हारा नाम? श्रीकांत। पापा सुनाओ। अरे पापा सुनाओ। किडनैपिंग मेरी वाइफ की हुई है, मेरे बाप की नहीं। पर इधर बाप का नाम मांगते है ना, FIR में लिखना मांगते है। मुझे अपने बाप का नाम नहीं लिखवाना है। आप FIR लिखी। बाप का नाम पूछते तो शर्मा था। कौन है तेरा बाप? मेरे बाप का इस केस से कोई संबंध नहीं। Don't force me. Just do your duty. ए, जास्ती आवाज नहीं मांगता है, समझा क्या? बोला ना एक बार बाप का नाम मांगता है तो मांगता है।
सॉरी सर, सर वो बहुत टेंशन में सर। चुप। क्या बात है मोरे? साहब, इसकी पत्नी किडनैप हो गई है। एफआईआर में बाप का नाम पूछा तो फोकट में लाल पीला हो रहा है। क्या नाम है आपका? श्रीकांत। साहब आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। सर, जिसकी बीवी का किडनैप हुआ था वो लड़का यहां आया है सर, क्या करूं उसका? जी सर, यस सर, यस सर, ओके सर। बैठिए बैठिए, आप आराम से बैठिए सब, बैठिए ना, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा सब, सब सब टेंशन नहीं लेने का। ये साठे साहब के लिए चाय बोल, जल्दी आ, हो जाएगा सर, कोई बात नहीं। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप आइए तो सर, प्लीज प्लीज सर, आप लोग यहीं बैठ कीजिए। बैठो बैठो, आराम से बैठो, कोई बात नहीं, बैठे बैठे बैठे, आराम से बैठे। अरे चाय भी नहीं ला रही है, साठे चाय लेके जल्दी, आराम से आराम से। मिस्टर श्रीकांत। सर मेरा नाम आप कैसे जानते हैं? प्लीज सिट डाउन। हमारा काम ही कुछ ऐसा है, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, ये सब हमें पता रखना पड़ता है। तो तुम मिस्टर अमरकांत के बेटे हो? Unfortunately, yes. पर मेरी पत्नी की किडनैपिंग में मेरे पिता का क्या संबंध है? तुम्हारी पत्नी अमरकांत की बहू भी तो है। What do you mean? One second. लुक मिस्टर श्रीकांत, मिसेस निशा शर्मा, फ्लाइट नंबर A1307, टाइम 4:30 PM, मुंबई टू पटना। तुम्हारी पत्नी निशा शर्मा महाराजगंज पहुंच चुकी है। कितना पैसा हुआ? अरे क्या कर रहे भैया जी, आप
ए, पैसा लग रहे, पैसा लग रहे। हम पैसे कहाँ मांगे साहब? ए, चलो। अरे अरे भैया जी, अलवर हो, दरवाजा खोला जल्दी। अरे भैया जी, दादी दादी, वो मुंबई वाले चाचू आए हैं। कहाँ? श्रीकांत आइलवा। ए बुनिया, भाग के जा। कितना दिन के बाद लड़का आइलवा, चला चला परिचय की तैयारी करा। अरे दुल्हन पहली बार घर में कदम रखी है। हाँ भैया जी, प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। अच्छा ना, प्रणाम भाई साहब, बहुत दिनों बाद। अच्छा ना भैया जी, बहुत दिनों। हाँ, वही तो। बात दिखनी तो रहा के खुश रहा बचुआ, खुश रहा। केकर कहला से खून का रिश्ता ना टूटे बेटा। अब आ गई लो तो बापों के गुस्सा शांत हो जाए। अरे दुल्हन खड़ा का बड़ू लड़का के परिचय। हाँ। अरे दुल्हन का गाड़ी में से लेके आवा लोग। चलो नहीं, चलो नहीं। गाड़ी में कोई नहीं आया। मैं अकेला आया हूं। कहाँ? अकेले आया है। दुल्हन नजर तो नहीं आई? पूछा नहीं, क्यों आया है? अरे बाबूजी से पूछिए ना कहां है वो। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने खुद बताया कि निशा को किडनैप करके यहां महाराजगंज लाया गया। ये तू कहां खड़ा है बेटा? तुम्हारे बाबूजी वो तो शुरू से ही हमारी शादी के खिलाफ थे माँ, और इसीलिए निशा को किडनैप करवा के वो हमारी छोटी सी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। ना बेटा, ना। तुहर बाप ऐसा कभी ना कर सकेलन। का हो? इतना हल्ला काहे हो रहा है? कोई आया है का? इला, आपको नहीं मालूम श्रीकांत भाई आए हैं बंबई से। वो यहाँ का करने आया? लीजिए, ये का कर रहे हैं भैया जी, उनका सब कुछ तो यही है, जमीन जायदाद, माई बाप, रुपया पैसा। अरे वो यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? भिजवा दीजिए इसको। आइए।